स्वागत है आप सभी का ज्योति आर्टवर्क्स में। फ्रेंड्स, आज हम सुंदर सा फ्लोर मैट बनाएंगे। ये बनाने में बहुत आसान है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसे दोनों साइड आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल मशीन वॉश है। इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। इसे मैंने पुराने फेटे से बनाया है, जो हमारे घर में वेस्ट पड़े फेटे होते हैं, शादी में जो फेटे मिलते हैं, उसे से मैंने ये फ्लोर मैट बनाया है। तो चलिए बनाते हैं आज का सुंदर सा फ्लोर मैट। आज हम पुराने फेटे का यूज करेंगे। शादियों में बहुत बार फेटे मिलते हैं तो घर में पड़े रहते हैं, आज हम इसका यूज करेंगे। आपके पास फेटे ना हो तो पुराने दुपट्टे भी यूज कर सकते हैं, पुरानी साड़ी, सलवार, सूट, कोई भी क्लॉथ आप यूज कर सकते हैं। अब आगे हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे। इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, दोनों साइड कट लगा के लंबी लंबी स्ट्रिप हम कटिंग कर लेंगे। लेंथ में से सारी लंबी लंबी स्ट्रिप हमें कटिंग कर लेनी है। ऐसे ही लंबी लंबी स्ट्रिप हमें कटिंग कर लेनी है। मैंने चारों कोने फोल्ड करके बीच में से कटिंग कर रही हूँ। मैंने थ्री पार्ट्स कर लिए। अब आगे क्या करना है, सारे फेटे हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। आगे हम लेंथ में से, विड्थ में से, जैसे मैंने स्ट्रिप कटिंग करी है लेंथ में से, तो विड्थ में से हम इधर सिलाई करेंगे। सारे फेटे हम जोड़ लेंगे। जितनी भी स्ट्रिप मैंने कटिंग की है उतनी हम इसे इधर जोड़ लेंगे। यहाँ पे सिलाई करनी है। मैंने विड्थ में से सारी लंबी लंबी स्ट्रिप जोड़ ली है। आपको जितनी भी स्ट्रिप जोड़नी है जोड़ सकते हैं। सारे स्ट्रिप्स मैंने लंबी लंबी जोड़ ली है। हम पहली वाली स्ट्रिप्स लेते हैं, इसे ऐसे रखते हैं और नॉट लगा देते हैं। आपको अगर ऐसी नॉट नहीं आती है तो सिंपल नॉट भी लगा सकते हैं। पहली वाली नॉट हो गई। अब हम इसकी दूसरी नॉट लगाते हैं।
मैंने 10 नॉट लगा दी। आपको जितनी विड्थ रखनी है मैट की उतनी रख सकते हैं। यहाँ हमने स्टिच किया है तो इसे ऐसा फोल्ड कर लेते हैं। आपको जितनी भी विड्थ रखनी है आप रख सकते हैं। इसे ऐसे घुमा लेना है। और एक नॉट लगा देते हैं। मैं इतना विड्थ रख रही हूँ। ये हमारी लास्ट वाली नॉट है। इसे ऐसे घुमा लेते हैं। स्ट्रिप को हम इधर साइड, स्ट्रिप को हम ऐसे निकाल लेते हैं। ये हमारी लास्ट वाली नॉट हो गई। इसके ठीक नेक्स्ट वाली नॉट से हम इस स्ट्रिप को निकाल लेते हैं। इसे ऐसे घुमा लेना है। इस नॉट को हम इस साइड घुमा लेते हैं। ये हमारी लास्ट वाली नॉट है तो इसके नेक्स्ट वाली नॉट से हम स्ट्रिप निकाल लेते हैं। इसे ऐसे घुमा लेना है। फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट हम इस कोने तक ऐसे ही स्ट्रिप निकाल के नॉट लगा देंगे। सेकंड राउंड पूरा कर लेते हैं। मैंने लास्ट नॉट तक स्ट्रिप्स निकाल ली है। अब आगे हमें इस नॉट से ही कंटिन्यू करना है। फिर सेकंड नॉट से निकालेंगे। फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट सारी नॉट्स हमें एक जैसे ही रखनी है। हम यहाँ तक पूरी स्ट्रिप को निकाल लेते हैं। लास्ट वाले कॉर्नर तक स्ट्रिप्स को निकाल लेते हैं। यहाँ हमारी लास्ट वाली नॉट आई थी। यहाँ से हमने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड राउंड पर लास्ट वाली नॉट से हम स्ट्रिप निकाल लेते हैं। आगे हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। इस वाले नॉट को स्ट्रिप से निकाल लेते हैं। इसे ऐसा करते हैं।
इस साइड हम खींच लेते हैं। अब जितनी भी हमें नॉट निकाली है उससे हम स्ट्रिप बाहर निकालेंगे। हम इस नॉट तक कंटिन्यू कर लेंगे। ब्लास्ट वाले नॉट से स्ट्रिप्स निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में इस नॉट से ही स्ट्रिप निकाल लेनी है। फिर नेक्स्ट इस मैट को बनाना बहुत इजी है। आप भी अपने घर के वेस्ट कपड़े ऐसे यूज कर सकते हैं। इस तरह सारे नॉट्स हम लगा लेते हैं। आपको जितना भी बड़ा बनाना है बना सकते हैं। विड्थ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी स्ट्रिप्स ख़त्म हो गई थी, मैंने और स्ट्रिप्स जोड़ ली है। अब इसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ तक मैट कंप्लीट कर ली है, अब इसे ख़त्म करेंगे। ख़त्म कैसे करेंगे? पहली नॉट है, सेकंड नॉट के ऊपर रखेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस वाले नॉट पे इस वाली नॉट रखनी है। ये जो स्ट्रिप है इसे अंदर से बाहर निकालना है। ये हमारी एक नॉट लॉक हो गई। ऊपर वाली नॉट को रखते हैं, फिर इसे अंदर से बाहर निकालना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसके ऊपर इसको रखते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी लॉक होते जा रही है। नीचे वाली नॉट पे ऊपर वाली नॉट रखी, बाहर निकाल लिया। नीचे वाली पे ऊपर वाली नॉट रखनी है।
ऐसे ही लास्ट तक हमें कंप्लीट करते जाना है। अब लास्ट वाले नॉट पे आते हैं, इसे नीचे रखा, इसे ऊपर रखा, इस स्ट्रिप को बाहर तक निकाल लेते हैं। यह हमारा इधर तक लॉक हो गया। अब हम सुई धागे की मदद से इस स्ट्रिप को इधर जोड़ देते हैं। हमारी इधर तक स्ट्रिप ही खत्म हो गई। आपको जितना भी बड़ा मैट बनाना हो बना सकते हैं। लेंथ और विड्थ आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। इस तरह मैट बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, रेडी टू यूज। दूसरी साइड भी हम इस स्ट्रिप को थोड़ा सा काट लेते हैं। और नीचे से मोड़ देते हैं। यहाँ भी हम सुई धागे की मदद से स्टिच कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। आपके पास साड़ी हो, दुपट्टे हो, आप इसे बना सकते हैं। दोनों साइड अलग डिज़ाइन है, आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। बहुत थिकनेस आई है, दोनों साइड से अलग डिज़ाइन है, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।